प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और बड़ी खबर यह है, बाहुबली पूर्व सांसद के माफिया बेटे या माफिया बेटे दिनेश कांत यादव को बड़ी राहत मिली है। बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है। अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करे। प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और बड़ी खबर यह है, बाहुबली पूर्व सांसद के माफिया बेटे या माफिया बेटे दिनेश कांत यादव को बड़ी राहत मिली है। बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है। अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करे। प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और बड़ी खबर यह है, बाहुबली पूर्व सांसद के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव को बड़ी राहत मिली है। बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है। अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करे। प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और बड़ी खबर यह है, बाहुबली पूर्व सांसद के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव को बड़ी राहत मिली है। बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है। अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करे। प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और बड़ी खबर यह है, बाहुबली पूर्व सांसद के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव को बड़ी राहत मिली है। बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है। अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करे। प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और बड़ी खबर यह है, बाहुबली पूर्व सांसद के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव को बड़ी राहत मिली है। बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के माफिया बेटे दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है। अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करे।